मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं सुबह सुबह पिजन देखने। टिक्की भी आ गई है। टिक्की बोलो हाय, बोलो हाय हाय, बोलो हाय 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 हाय। नहीं कर रही किकी हाय, किकी नॉट इंटरेस्टेड। उसे एक पिजन दिख गया तो वो उसी को देख रही है। वो पिजन अरे उड़ गया। यहाँ पे आयान भी अपने स्कूल जा चुका है और हमारा नाश्ते में बन रहे हैं आज मेथी के पराठे, तिकोना मेथी के पराठे और चाय। सर्दी आ गई है और मेथी के पराठे सर्दियों में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मेथी भी अच्छी आ गई है तो आज हमारा मन था मेथी के पराठे खाने का। तो ये देखिए गरम गरम मेथी के पराठे बन रहे हैं ऑलिव ऑयल में। तो मेरा नाश्ता हो गया तैयार और अब मैं नाश्ता करूँगा, साथ में लूँगा एक कप चाय। निक्की एज यू नो काफ़ी अच्छी कुक है, ये अब मुझे नाश्ता परोस रही है। तो मैंने नाश्ता उठा लिया है अब यहाँ से और अब मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। तो अपने फेवरेट अचार के साथ जो कि है हींग का, ये हींग का अचार है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अवेरी का, तो मैं ये खाऊँगा इसके साथ। इस मौसम का पहला मेथी का पराठा है मेरा और पराठे देखने में भी बहुत अच्छे थे और जब टेस्ट किया तो टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे थे। तो पराठे में मज़ा आ गया। यहाँ पर मैं किक्की को ट्राई करवाते हुए, किक्की को भी अच्छे लग रहे थे लेकिन दो तीन बाइट के बाद इसने थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे पता लग गया था पराठा है। अभी भी देख रही है कि खाना है लेकिन इसने खा लिया। तो किकी को भी पसंद आया। तो ओवरऑल पराठे बहुत अच्छे थे, मज़ा आया नाश्ते में। तो यहाँ पे निक्की अपने लिए भी नाश्ता बनाते हुए, तो मुझे उसका प्रोसेस देखना था कि कैसे बनाती है। थोड़े से इसने तिकोने की जगह अपना थोड़ा मैप का स्ट्रक्चर दे दिया है इसने, लेकिन पराठा तो पराठा है, पराठा बहुत बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पर यह तेल यूज़ करते हुए ऑलिव ऑयल, ये देखिए ऐसे बनाती है पराठे जो कि बड़े ही बढ़िया लगते हैं खाने में। तो ये यहाँ पे इसका सिक गया है पराठा लगभग, अभी दोनों तरफ इसने तेल लगा दिया है तो अब ये थोड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे निक्की का पराठा बिल्कुल तैयार हो ही गया है। ये देखिए आइसक्रीम में इसने तेल लगा दिया है जो फाइनली इसको पूरी तरीके से सेक देगा। ये बन गया है निक्की का मेथी का पराठा। यहाँ पे निक्की अपने पराठे परोसते हुए यहाँ पे इसने अच्छी तरीके से इस पर घी लगा दिया है। अब ये नाश्ता करने के बाद हम लोग गए कमला नगर जहाँ से मम्मी को निक्की को गिफ्ट दिलाना था क्योंकि निक्की का आ रहा है बर्थडे 21 अक्टूबर। तो मम्मी ने उसको बोला कि उसको मम्मी सूट दिलाना चाहती है। तो हम एक कमला नगर की शॉप पे आए जिसमें मम्मी और मैं पहले भी आए थे। तो यहाँ पे कुछ कलेक्शन इन भैया ने दिखाई जो कि कुछ ऐसी है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन दोनों ने बहुत सी कलेक्शन देखी जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, सारे ही निकाल दिए इन्होंने। ये देखिए अलग अलग प्राइस रेंज में कि कौन से प्राइस रेंज में निक्की को चाहिए, कौन से प्राइस रेंज में मम्मी दिलाएगी, ये मम्मी को दिखा रहे थे। तो फिर फाइनली कुछ दो तीन इन्होंने सिलेक्ट करे। निक्की को थोड़े गर्मियों के सूट दिखा रहे थे तो इन्होंने फिर सर्दियों के दिखाने शुरू करे क्योंकि सर्दियों के इस वक्त सर्दी मौसम शुरू हो रहा है तो सर्दियों के ही बेनिफिशियल रहेंगे लेने के लिए। तो यहाँ पर ये सर्दियों के सूट देखते हुए इन्हीं में से कोई सिलेक्ट करेगी निक्की क्योंकि उसे इनमें इनकी कलेक्शन अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर 3-4 इसने एक बार सिलेक्ट कर लिए कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो इसने फिर आई थिंक बीच वाला इसने सेलेक्ट किया कि एक बार इसकी चुन्नी लेके देखते हैं। लेकिन निक्की जब लेती है तो डाइसी हो जाती है कि ये लूँ या वो लूँ, हर किसी के साथ होता है। लेकिन फाइनली निक्की ने ये वाला सूट लिया जिसकी चुन्नी इतनी अच्छी लग रही थी उसे कि उसने वही ले लिया। सोच के आई थी 2000 का सूट लेगी लेकिन मम्मी ने उसको कितने का दिलाया, 900 का। अब इसके बाद हम लोग गए वैष्णो चाट भंडार जो कि कमला नगर में काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे इसकी चाट बड़ी पॉपुलर है जैसे कि आप देख रहे हैं। इन लोगों ने गोलगप्पे लिए जो 20 रुपये के 4 देते हैं भैया, 5 इनफैक्ट 20 रुपये के 5 देते हैं। तो इन्होंने गोलगप्पे लिए, साथ में दही बल्ले और सुबह सुबह चाट भी मिल जाती है, आलू चाट। यहाँ पे किक्की भी ट्राई करते हुए, ये उसका पहली बार है कि गोलगप्पा ट्राई करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे शायद ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो फिर हमें थोड़ी और भूख लग रही थी तो हमने सोचा डोसा भी ले लेते हैं क्योंकि नवरात्रे हैं तो हम प्याज और लहसुन प्रेफर नहीं करते। तो इन भैया ने हमें थोड़ा लटकाए रखा, फिर हमने सोचा चलो चाट ही ले लेते हैं। फिर मज़े आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी आलू की चाट बनते हुए नींबू वींबू डाल दिए इन्होंने, अपनी मसाले भी डाल दिए हैं और अब ये इसके अंदर चटनी डाल रहे हैं, हरी चटनी जो इनकी अपनी हरी चटनी होती है। ये नहीं पता इसमें धनिया पुदीना तो मिक्स है लेकिन बाकी क्या मिक्स है ये नहीं पता। तो ये हमारी चाट तैयार हो गई, देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। जैसे आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं बताऊँ आपको टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा नमक कम था और थोड़ी चटनी इतनी ख़ास नहीं थी, तो बस देखने में अच्छी थी, नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप। तो इसके बाद हम अयान को लेने गए।
क्योंकि अयान का भी टाइम हो गया था, 12:30 हो गए थे। तो यहाँ पे निक्की अयान की फीडबैक लेते हुए ये आराम से अपना नाखून खाते हुए मस्ती करता हुआ, अयान बड़े आराम से अपनी कंप्लेंट सुनता हुआ, लेकिन इसको मैटर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये स्लाइड करता हुआ, अयान को स्लाइड करना बहुत अच्छा लगने लग गया जब चंदे घर पर स्लाइड रखे हैं। तो ये देखिए, पहले थोड़ा डरता था लेकिन हमारा मकसद ये था स्लाइड लाने का कि इसकी डर हटाए। तो अब देखिए अब ये स्लाइडों पे चला जाता है और आराम से स्लाइड करता है। तो अब ये देखिए ये इस पे भी चढ़ गया क्योंकि इसको इस बड़ी स्लाइड पे भी जाना था, तो ये चला गया और इसने इस पे भी स्लाइड कर लिया। तो व्यूअर तो सोचा था जिस वजह से हमने लिया था वो हमारा कामयाब हुआ स्लाइड घर पे लाना। शाम हो गई तो हम लोगों ने सोचा कुछ खाने को लिया जाए, तो अयान तो हमेशा अपनी पेस्ट्री वाली जगह पे जाता है। तो ये हमारे यहाँ एक राजभोग रसोई करके राजभोग रेस्टोरेंट है जो कि हल्दीराम का छोटा भाई टाइप है। यहाँ पे सब कुछ स्नैक्स मिलते हैं, सारे स्नैक्स मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पनीर पफ लिया और कुछ दही भल्ला लिया और एक दो आइटम लिए थे जो कि ये थे पनीर ब्रेड पकौड़ा। ये सिर्फ और डिस्प्ले के लिए क्योंकि सिर्फ देख रहे थे हम कि क्या क्या रेट है। रेट थोड़े इनके हाई हैं, जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल मिलते हैं उनसे काफ़ी हाई रेट है। बस जो स्नैक्स हैं वो उनका रीज़नेबल रेट है, लेकिन स्वीट्स का और बाकी आइटम काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रेट हाई है लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि हमने जब पनीर ब्रेड खाया तो उससे पता लग रहा था, पनीर पफ भी बहुत ही अच्छा था। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग और इस ब्लॉग को आज हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करके